6 मार्च को शास्त्री नगर निवासी एक शिक्षिका के गले से सरेराह चेन झपटने वाला बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी को सावर जिले से गिरफ्तार कर लूटी हुई चेन के साथ वारदात में शामिल बाइक बरामद की गई है। वारदात में शामिल एक आरोपी फिलहाल फरार है। गिरफ्तार में आए आरोपी ने एक वर्ष पहले गायत्री मंदिर के समीप हुई चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देना भी कबूला है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया 6/3/2022 को शास्त्री नगर खरगोन की फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई कि डाइवर्शन रोड माली बिल्डिंग मटेरियल दुकान के पास खरगोन पर अज्ञात दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गले में पहनी सोने की चेन झपटा मारकर छीनकर ले गए। फुटेज के आधार पर घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल की विवेचना में तस्दीक की गई। तस्दीक के दौरान RTO इंदौर से जानकारी प्राप्त उक्त नंबर की मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोहनलाल निवासी सावर के नाम पर दर्ज होना पाया गया। गठित टीम द्वारा सावर पहुंचकर तस्दीक करते हुए फुटेज में दिख रहे व्यक्ति को मोहनलाल को दिखाई गई तो उसके द्वारा बताया गया कि फुटेज में दिख रहे व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ भीमा बलाई है, जो कि नई आबादी सावर में रहता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तत्काली SSP और जो भी नेतृत्व में एक टीम ने समस्त CCTV फुटेज को देखा और बताया गया विचार संदेह के आधार पर हमने एक मोटरसाइकिल की जांच की, जिसका नंबर हमें सावेर का एक मोहनलाल नामक व्यक्ति के मिला। और जब टीम सावेर गई और उससे पूछताछ किया तो उसने अपने लड़के राजेश के बारे में बताया जो मोटरसाइकिल यूज करता था। और फिर जब राजेश से पूछताछ की गई तो उसने फुटेज देखे उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जितेंद्र भीमा, और एक जंगिया को उसने आइडेंटिफाई किया। और उसने बताया कि उसकी रंजिश चली थी क्योंकि मुकदमे में वो उसके खिलाफ गम हुआ था। तो फिर हमने जंगिया की को तलाशा और वो जो जंगिया मिला था कि एक भीमा मिल गया, जो भीमा ने घटना को करना स्वीकार किया और साथ में एक साथ वो और भी एक घटना की थी। तो खरगोन से इसकी भी वाकिफ था कि उसकी पहली शादी जो है खरगोन के पास भी हुई थी, खरगोन को आता जाता था, इनकी गलियों से भी वो वापिस है, इस वजह से वो गलियों से होते हुए वो वापस इंदौर भाग गया। तो हमने दो घटनाओं में जो उसने की है चैन बरामद करने के लिए समुदाय प्राप्त कर लिया है और फिर हम उससे पूछताछ करते हैं। सर रैकी की थी क्या उसको, चूँकि खरगोन को आता जाता रहा है तो उसने पहले तो कसरावत में भी कोशिश की थी, कसरावत में भी वो दिखा है और जब वहाँ उसको मिला तो खरगोन आके जब उसने एक महिला को जब अकेले जाते थे तो उसने एक घंटा करना शुरू करा दिया। क्षेत्र में 6 तारीख को एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला के गले से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने पीछे से आकर चेन छीनी थी। हमने एक विशेष टीम बनाया है SSP नीरज चौरसिया नेतृत्व में, SDOP खरगोन और TI कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और हम लोगों ने आसपास आने जाने वाले सभी जो है वो जो CCTV के माध्यम से हमने उसके फुटेज देखे और ये पाया कि एक इंदौर पासिंग एक मोटरसाइकिल में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो बताए हिंदिया के अनुसार देख रहे हैं। हमने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो सावे का होना ज्ञात हुआ किसी मोहनलाल के नाम के व्यक्ति का, और उससे जब वहाँ जाकर पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसका लड़का राजेश जो है ये मोटरसाइकिल चलाता भी है। तो फिर जब राजेश से पूछताछ किया गया, फुटेज दिखाया गया तो उसने बताया कि ये व्यक्ति तो वही सावेर का रहने वाला जितेंद्र भीमा का है जो उससे रंजिश रखता है, किसी पूर्व के अपराध में जो है वो उसको विद्वेष भाव रखता है, संभवतः उसी ने नंबर प्लेट बदल के ये घटना की हो। और फिर हमने जब उस भीमा को पकड़ा तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने एक साथी जगीरा का नाम भी बताया जो दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से इंदौर से आए थे और घटना करके वापस इंदौर चले गए थे। जगीरा की हम तलाश कर रहे हैं और पूछताछ करने पर उसने लगभग 1 साल पूर्व अप्रैल 2021 में भी एक जैतापुरा क्षेत्र में एक गायत्री मंदिर डाक्शन रोड के पास एक महिला का चैन स्नैचिंग करने की घटना बताई है। तो हमने उक्त दोनों घटना के जो चैन थे वो हमने बरामद कर लिया है और घटना पर एक मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।